श्री धर्मेंद्र प्रधान, देखिए ये तो होना ही है। नीट का आवाज उठाना हमारा धर्म और फर्ज बनती है। लाखों लोग बच्चे नाश हो गए, माँ बाप मेहनत उनके पैसे सर्वनाश हो गए, तो और ना आगे जा सक रहे ना पीछे हट सक रहे, तो क्या करें इन बच्चों को। तो आवाज तो यहाँ उठाने के लिए तो हमें चुने गए हैं, हम आए हैं सांसद में आम जनता का आवाज सुनाने, तो उठाएंगे बोलेंगे, ये हकीकत है। नीट का पूरा फेलियर, इट्स अ कंप्लीट जीरो। तो जवाब क्या, नौकरियां देने का छोड़ दीजिए, आने का भी बंद कर दे रहे हैं। वाह, लेकिन तमाम ओपोजिशन के सांसद हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी, करना चाहिए, संविधान के हक को भी आप नहीं दे रहे हैं आम जनता को, पब्लिक को आप नहीं जवाब देते हैं, बच्चों का जिंदगी टांग के रखे हैं, हमारा दमड़ी दमड़ी जो हम जुड़ा के रखे पैसे वो सब खत्म हो गए, तो हम बोले भी नहीं। यही चाहते हैं क्या, ये पार्लियामेंट में आते क्यों हम लोग, यही कि संविधान का दिया हुआ हक जो जनता पीछे हमारे बोल रहे हैं उनकी आवाज बुलंद रखने के लिए हम पार्लियामेंट आते हैं, किसी और के शक्ल या छातियों को माफ करने फीता लेके हम नहीं आ रहे हैं, पब्लिक के साथ हैं।